नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छठ महापर्व की छुट्टी कैंसिल करने का फैसला बदला। नशा मुक्त बिहार के लिए दौड़ेगा पटना। बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक। 23 अवर निबंधकों पर गिरी गाज। साउथ अफ्रीका ने हासिल की बड़ी जीत। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छठ पर्व की छुट्टी कैंसिल करने का फैसला बदला। मद्य निषेध निबंधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर कहा गया था कि छठ पूजा के लिए घोषित अवकाश अवधियों में सभी निबंधन कार्यालय सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे, जिसके बाद इस फैसले का विरोध शुरू हो गया था, जिसके बाद विभाग को झुकना पड़ा और अपने द्वारा दिए गए आदेश को वापस लेना पड़ा। अब आदेश वापस लिए जाने के बाद शनिवार को विभाग में छठ महापर्व की छुट्टी रहेगी। जानकारी के लिए बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छठ की छुट्टियां रद्द करने का फैसला लिया गया था, जिसमें सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, पूर्वी चंपारण, शिवहर के जिला अवर निबंधक और शेरघाटी, बारसोई, ठाकुरगंज, बेनीपट्टी, ढाका, पकड़ीदयाल, रक्सौल, विक्रमगंज, पुपड़ी, महाराजगंज, महुआ के अलावा कई अन्य अवर निबंधक शामिल नहीं हुए थे। नशा मुक्त बिहार के लिए दौड़ेगा पटना। पटना में आने वाले 6 नवंबर को नशा मुक्त बिहार के लिए दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इस मैराथन दौड़ को दो श्रेणियों में किया जाएगा, जिसमें प्रथम श्रेणी में 16 वर्ष से कम उम्र के बालक और बालिका होंगे, तो वहीं द्वितीय श्रेणी में 16 वर्ष से अधिक के बालक और बालिका भाग लेंगे। इच्छुक प्रतिभागियों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में निबंधन किया जा सकता है। बता दें कि निबंधन की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। इस दौड़ में प्रथम आने वाले प्रतिभागी को 5,000, द्वितीय को 3,000 और तृतीय स्थान पर आने वाले को 2,000 और एक ट्रैक सूट दिए जाएंगे, एवं इसके बाद 10वें स्थान तक आने वाले प्रतिभागी को 1,000 रुपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। इस दौड़ का आरंभ सुबह 6 बजे से किया जाएगा। नीतीश सरकार ने बाल श्रमिक आयोग का किया गठन। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया है। बता दें कि राजद नेता चक्रपाणि हिमांशु को इस आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इस आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा है। बताते चले कि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग में कुल 22 मेंबर होंगे, जिनमें 3 विधायक मनोनीत सदस्य के तौर पर होंगे। इन मनोनीत सदस्य में विधायक अचमित ऋषिदेव, रेखा देवी और आनंद शंकर सिंह होंगे। वहीं विभिन्न वर्गों में कुल 5 मेंबर होंगे। इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों के कार्यकाल का समय 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। छठ पूजा के दौरान सूर्य मंदिर देव में 8 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की उम्मीद। लोक आस्था का महापर्व छठ का शुभारंभ 28 अक्टूबर यानी कल शुक्रवार से होने जा रहा है। इस मौके पर औरंगाबाद जिले के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में इस बार छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान के लिए 8 लाख से अधिक श्रद्धालु व उनके स्वजन के आने की संभावना है। इस देव सूर्य मंदिर की महत्ता और लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सूर्य मंदिर देव की 4 दिनों के प्रवास के लिए यहाँ के एक कमरे का किराया 10,000 रुपए तक पहुँच गया है। सारे गृह स्वामियों ने 2 से 3 माह पहले ही अपने घर के अतिरिक्त कमरे आरक्षित कर दिए हैं। संभवतः यह देश में एकमात्र ऐसे ठहराव की व्यवस्था है जहां छठ व्रती के स्वजन खुद आकर या अपने किसी स्थानीय नाते रिश्तेदार के माध्यम से आरक्षित कराते हैं। ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था नहीं है। पटना में सजा छठ का फल बाजार। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर पटना का बाजार सज गया है। ऐसे में अगर हम फलों की बात करें तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिनकी मांग छठ पूजा में सबसे ज्यादा होती है। इस बार बाजार में हाजीपुर का विश्व प्रसिद्ध केला के साथ साथ पश्चिम बंगाल का विशेष चीनिया केला भी मौजूद होगा। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश से भी पटना के मंडी में केला लाया जा रहा है। व्यापारी इस बार कर्नाटक के होसपेट से भी केला मंगा रहे हैं, जो काफी प्रसिद्ध है। बता दें कि इस बार छठ पूजा को लेकर कश्मीर से भी सेब पहुंच रहे हैं, जिनमें कुछ प्रसिद्ध वैरायटी के भी सेब शामिल हैं, जिनमें डिलीशियस अमेरिकन और महाराजी किस्म वाले सेब शामिल हैं। बिहार में गुलाबी ठंड की दस्तक। बिहार में दिवाली के खत्म होते ही गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दिया है। मौसम में अब गिरावट का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि प्रदेश भर में अब उत्तर पछुआ का प्रभाव बनने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार छठ के दौरान हल्की ठंड का एहसास किया जाएगा। वहीं गुलाबी ठंड की शुरुआत होने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में ओस और कोहरे का भी दौर शुरू हो सकता है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पछुआ और उत्तर पछुआ के प्रभाव के कारण अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रह सकता है और रात के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। चंद 1,000 रुपयों के लिए यह पुलिस वाला बेच देता था जानकारी।
पुलिस वालों का काम जिम्मेदाराना होता है। लोगों की हिफाजत और कानून की रखवाली करना उनका सबसे पहला धर्म होता है, लेकिन जब कानून के रखवाले ही कानून के साथ धोखाधड़ी करे तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है नवादा जिले से। पुलिस वालों पर अक्सर यह आरोप लगते रहते हैं कि उनका साठगांठ शराब और बालू माफियाओं से है, जिसके कारण बिहार में उनका धंधा धड़ल्ले से जारी है। नवादा जिले के एक जमादार पर भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि जमादार पुलिस की हर कार्रवाई से पहले सूचनाएं लीक कर देता था और वह उनसे हर माह 40,000 रुपए वसूलता था। एक वीडियो में आरोपी जमादार माफिया से रुपया लेता साफ दिख रहा है, जिसके बाद जमादार मुन्नीलाल पासवान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उसे निलंबित कर दिया गया है। 23 अवर निबंधकों पर गिरी गाज, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। ऐसे में हर दिन अभियान चलाकर शराब पीने, बेचने, रखने, बनाने और बाहर से मंगवाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच बिहार सरकार के मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा लापरवाही के आरोप में अवर निबंधकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। बता दें कि विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनुपस्थित रहने वाले 23 अवर निबंधकों का वेतन को अगले आदेश तक रोक दिया गया है, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा वेतन रोके जाने के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। सभी अधिकारियों ने बीते दिन बुधवार को मुख्यालय से ली जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काली पट्टी लगाकर विरोध किया। चुनाव प्रचार के लिए सीएम नीतीश कुमार का 1 नवंबर को दौरा संभावित। बिहार विधानसभा के मोकामा और गोपालगंज सीट पर हो रहे चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 27 अक्टूबर यानी कि आज प्रचार के लिए जाने वाले थे। ऐसे में अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार आज प्रचार कार्यक्रम के लिए नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कहा कि अब अगर यह कार्यक्रम बनेगा तो 1 नवंबर को बन सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुनाव प्रचार में न जाने का मुख्य कारण उनकी चोट को बताया जा रहा है, जो उन्हें गंगा घाट के निरीक्षण के दौरान लगा था। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो वे पिछले 3 दिनों से दिल्ली में है, जिस वजह से वो भी प्रचार में नहीं जा पाए। संजय जायसवाल ने किया बड़ा खुलासा। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर को लेकर ट्वीट कर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने यह खुद माना है कि महागठबंधन के खिलाफ वोटों के लिए नीतीश कुमार पैसे दे रहे हैं। नीतीश कुमार अब इस बात से डर गया है कि राजद और जदयू के विलय होने के बाद उनके सभी वोट छिटक गए हैं और बीजेपी के पास चले गए हैं, इसलिए उन्होंने प्रशांत किशोर को रखा है। ये दोनों रोज रात को एक दूसरे से बात करते हैं और अगली सुबह एक दूसरे के खिलाफ बयान वीर देते हैं। नीतीश और तेजस्वी के गठबंधन के खिलाफ पूरी बिहार की जनता खड़ी है, इसलिए इनसे नफरत करने वाले वोटों के बंटवारे के लिए प्रशांत किशोर को लगाया गया है। मोकामा और गोपालगंज सीट के लिए आरजेडी ने झोंकी पूरी ताकत। बिहार विधानसभा के मोकामा और गोपालगंज सीट पर हो रहे चुनाव को लेकर आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरजेडी ने इस चुनाव के लिए अपने सभी मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और 2020 के विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवारों को भी उतार दिया है। ये सभी लोग किसी न किसी पंचायत में रोज पहुंच रहे हैं। इस चुनाव को लेकर मॉनिटरिंग करने का जिम्मा लालू परिवार के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति भोला यादव को दिया गया है, जो प्रतिदिन सभी जानकारी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। इसके साथ ही दोनों विधानसभा चुनाव पर नजर रखने के लिए अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर गोपालगंज की बात की जाए तो वहां भी राजद के कई मंत्री कैंप कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को राजनीति के लिए कौन देगा चंदा। बीते दिन बुधवार को बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जन स्वराज पदयात्रा के दौरान कहा कि उनके जन स्वराज अभियान को 6 राज्यों के मुख्यमंत्री आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने बतौर चुनावी रणनीतिकार देश में 11 चुनाव लड़वाए हैं, जिनमें से उन्हें 10 में जीत भी हासिल की है। वहीं उन्होंने कहा कि अब जन स्वराज अभियान को आगे चलाने के लिए क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक प्रशांत किशोर ने 200 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर ली है। यह पदयात्रा लगभग 1.5 साल तक चलेगी, जिसमें बिहार के हर गांव तक पहुंचा जाएगा। उमेश कुशवाहा ने किया सुशील मोदी पर तीखा प्रहार। पटना में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सुशील मोदी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने सुशील मोदी द्वारा प्रदेश के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में घोषित 33% आरक्षण नहीं मिलने पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बच्चियों और महिलाओं के लिए पिछले 17 वर्षों से कई काम किए गए हैं, यहाँ तक कि उनकी इस क्षेत्र की योजनाओं को दूसरे राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के द्वारा भी अनुसरण किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का नींव नीतीश कुमार के द्वारा ही रखा गया था। बाद में इसी आधार पर दूसरे राज्य में भी आरक्षण दिया गया। बिहार देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 लाख स्वयं सहायता समूह है।
साउथ अफ्रीका ने हासिल की बड़ी जीत। T20 वर्ल्ड कप 2022 में गुरुवार यानी कि आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए साउथ अफ्रीका ने 104 रनों से जीत हासिल की। इस मैच में अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और 5 विकेट खोकर 205 रन बनाए, जिसके बाद बांग्लादेश की टीम ने 206 रनों का पीछा करते हुए केवल 101 रन बनाते हुए ऑल आउट हो गई। इस मैच के दौरान अफ्रीका की ओर से रिले रोसो के द्वारा शतक लगाया गया तो वहीं डिकॉक के द्वारा अर्धशतक लगाया गया। दोनों ने महत्वपूर्ण साझेदारी निभाते हुए 81 गेंदों पर कुल 168 रन बनाए। इसके साथ ही एंड्रिक नॉर्किया की गेंदबाजी ने 3.3 ओवरों में 10 देते हुए 4 बल्लेबाज को आउट किया था। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो सबसे ज्यादा लिटन दास ने 31 गेंदों पर 34 रनों की जुझारू पारी खेली। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल का रेट जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 21 जिलों में तेल महंगा हो गया है तो 11 जिलों में दाम कम हो गए हैं। पटना के अलावा बांका, भागलपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, खगड़िया, कैमूर, मधुबनी, मधेपुरा, नालंदा, बेगूसराय, रोहतास, समस्तीपुर, सहरसा, सिवान व सीतामढ़ी जिलों में पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं। राजधानी पटना में पेट्रोल के दाम में 88 पैसे और डीजल की कीमत में 82 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके बाद पेट्रोल 108.12 रुपए और डीजल 94.86 रुपए महंगा हो गया है। वहीं सबसे ज्यादा उछाल पूर्णिया में देखने को मिला है, जहां पेट्रोल 92 पैसे और डीजल 86 पैसे महंगा हो गया है। दूसरी ओर जिन जिलों में पेट्रोल डीजल में गिरावट आई है उनमें कटिहार, नवादा, सारण, दरभंगा, मुंगेर, गया, भोजपुर, बेगूसराय, लखीसराय, वैशाली जिला शामिल है। इन सभी जिलों में सबसे ज्यादा कमी सारण में की गई है, जहां पेट्रोल के दाम में 53 पैसे और डीजल के दाम में 39 पैसे कमी आई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, रवि मोहन वर्मा, शंकर मुखिया, रविशंकर, गोलू कुमार, सदुल्लाह पलवी, मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद नौशद राजा, मंगेता भारती, अनवर करीम खान, संजीत कुमार सुमन, मुतुर रंगीला, जमशेद राजा, फूलदेव महतो। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार प्रशांत किशोर की दखल से बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन आ सकता है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।